फ्लोरिकल्चर सोसाइटी के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और फ्लोरिकल्चर सोसाइटी के एक स्तंभ रहे हैं, और विंटर बल्ब्स के इनकी महारत के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। सालों साल इनके सहयोग से हमने अपने गार्डन्स में एग्जॉटिक बल्ब्स ग्रो किए हैं। तो बिना ज़्यादा समय लिए हुए मैं अनुराग जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रारंभ करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। सब सब लोग को सुनाई दे रहा हूँ? यस बिल्कुल क्लियर अनुराग सर। सर, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए और वीडियो भी साथ में म्यूट कर लीजिए, ताकि सबको दिखाई पड़े। किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब नेट कमजोर होगा, किसी का ज्यादा होगा, तो उससे मुश्किल नहीं पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए सबसे पहले आ जाते हैं कि विंटर बल्ब्स को लगाना किस समय है और कौन कौन से बल्ब होते हैं। तो अभी से लेकर के करीब करीब दिसंबर तक अलग अलग वैरायटी के बल्ब अलग अलग समय पे लगाए जा सकते हैं। अब कौन से बल्ब किस समय लगाना है, इसको हम भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि बल्ब्स जो है वो टेम्परेचर, आजकल टेम्परेचर स्पेसिफिक हो गए हैं, कि मतलब कुछ बल्ब किसी एक टेम्परेचर पे स्प्राउट होते हैं, कुछ एक बल्ब किसी एक टेम्परेचर पे स्प्राउट होते हैं। तो अब सीजन क्योंकि इतना ज्यादा ऊपर नीचे होता है, तो हम सीजन फॉलो नहीं करते उतना ज्यादा, मंथ भी नहीं फॉलो करते, टेम्परेचर फॉलो करते हैं। तो जैसे आप लोग अगर पेन और रोड रखे हुए हैं, तो साथ में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज अभी प्लांट कर सकते हैं। अभी सबसे श्योर शॉट चीज जो प्लांट हो सकती है, जिसका सीजन है, जिसको थोड़ा टाइम लगता है, तो वो है ग्लैडुलाई के बल्ब्स। जो इंडियन वैरायटी है ग्लैडुलाई की, आपको मैं साथ में दिखा भी दूंगा, इंडियन वैरायटी ग्लैडुलाई बल्ब्स की है, ये बल्ब्स आप अभी लगा सकते हैं। तो अभी इंस्टेंटली आप, अगर आपको कहीं से दूसरे वैरायटी के बल्ब मिल रहे हैं, तो खरीद के रख लीजिए, पेपर में पैक करके एक किसी ठंडी जगह पे रख लीजिए। और इसी जैसे जैसे समय आएगा, टेम्परेचर सेट होगा, वैसे वैसे हम विंटर बल्ब्स लगाना शुरू करेंगे। तो अभी आप लगा सकते हैं इंडियन वैरायटी ग्लैडुलाई की। मेरे ख्याल से 6 से 10 या 12 कलर इस समय अवेलेबल हो जाते हैं। और बल्ब ग्लैडुलाई बल्ब की चूज करने की मैं एक और आपको खासियत बता देता हूँ कि आप बहुत बड़े बल्ब मत चूज करिए। कि जैसे बाकी सारे बल्ब होते हैं, उसमें हम चाहते हैं सबसे बड़े से बड़ा बल्ब हुए, लेकिन ग्लैडुलाई में मीडियम साइज का बल्ब सबसे अच्छी फ्लारिंग देता है। तो बल्ब, इंडियन वैरायटी के बल्ब थोड़े बड़े होते हैं, तो उसका बल्ब समझ लीजिए मैक्सिमम 3 इंच का साइज। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये करीब 3 इंच का बल्ब है। इस साइज का बल्ब आप ग्रो करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत बड़े बल्ब एज आउट हो जाते हैं, बहुत मैच्योर हो जाते हैं, उसमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो 2 से 4 इंच समझ लीजिए एक रफ रफ आइडिया, अगर उस साइज के बल्ब आपको मिल रहे हो तो इंडियन वैरायटी के बल्ब आप लगा सकते हैं। अगर आप ग्लैडुलाई गार्डन में लगा रहे हैं, मतलब आपके पास लैंड है, बेड्स हैं, तो इंश्योर कीजिए कि बहुत अच्छी तरह से बेड को प्रिपेयर कीजिए। उसके अंदर आप अच्छे, मतलब समझ लीजिए हर मीटर पे 50 किलो करीब डालनी पड़ेगी आपको कंपोस्ट, वो डालिए। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ओखला, जो भी आपको मिल जाए वो आप डाल सकते हैं। साथ में बोन मील और नीम खली डालनी पड़ेगी हर मीटर पे 1 किलो के करीब, 1 किलो बोन मील, 1 किलो आपकी नीम खली। तो अभी हम सिर्फ ग्लैडुलाई की बात कर रहे हैं, जो कि इस समय जब हमारा मौसम करीब 35 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, इस समय बारिश हो रही है, ये बल्ब बारिश में इतनी जल्दी खराब नहीं होते। अगर आपका बेड जो है, जहां पे आप रख रहे हो, वहां पे पानी जमा होता है, तो इंश्योर कीजिए कि आप रेज्ड बेड पे लगाएं, मतलब कि जैसे आलू बोते हैं, हिल बना करके उसके ऊपर आप उनको लगाएं।
जमीन में लगाने में इनकी डेप्थ जो रहेगी वो करीब करीब 2 इंच करीब रहेगी, मतलब बल्ब की जितनी हाइट है उतना ही अंदर इसको डालना है। साथ में ये भी इंश्योर करें कि इनको आप करीब 1 हफ्ते के अंदर ये स्प्राउट हो जाएंगे। उसके बाद स्प्राउट होने के बाद इनको सीधा रखने के लिए आपको स्टेकिंग करनी पड़ेगी, साथ में जैसे आलू में मिट्टी चढ़ाते हैं उस तरह से आपको इनको मिट्टी चढ़ा के अपराइट रखना पड़ेगा। अगर आप पॉट्स में बल्ब लगा रहे हैं इंडियन वैरायटी के ग्लेड लाइट, तो 8 इंच का पॉट जरूरी है। 8 इंच से कम के पॉट में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इतनी जगह उनको नहीं मिलती, और हम फिर ग्लेड लाइट में बार बार कंप्लेंट करते हैं कि ग्लेड लाइट उग तो गया खिल नहीं रहा, उग तो गया खिल नहीं रहा। तो एक मेजर है कि उनको स्पेस चाहिए, तो 8 इंच 10 इंच 12 इंच के पॉट में आप लगाइए। 8 इंच का पॉट है तो 1 बल्ब लगेगा, या आप 2 लगा सकते हैं, 10 इंच में 3 बल्ब लगा सकते हैं, 12 इंच में 4 बल्ब लगा सकते हैं। लेकिन बड़ा पॉट जो छिछला ज्यादा हो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो ऊपर से चौड़ा हो। तो सबसे पहले ये ग्लैडोलाई इस समय अगर आपको कहीं मिल रहा तो आप उसको जरूर लीजिए और लगाइए। रोशनी की जरूरत ग्लैडोलाई को होती है, इनफैक्ट सभी बल्ब को रोशनी चाहिए। आपके गार्डन में यहाँ पे आप ये बल्ब लगा रहे हैं, बिना उसके थोड़ी इनको इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं आएगी, ग्रोथ हो जाएगी लेकिन फ्लावरिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इनको सूरज की रोशनी चाहिए। आप कोई भी बल्ब लगा रहे हो उसके लिए, सबके लिए, अगर आपके टेरेस पे आपका है या आपका बालकनी में है या आपका गार्डन शेडी है, तो सबसे ब्राइट स्पॉट ढूंढिए घर का, वहां पे इनको रखिए। ग्लैडोलाई सबसे अभी लगाना था इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ग्लैडोलाई बता दिया। अब हम दूसरे नंबर पे, जब ये सीजन करीब समझ लीजिए कि आपका 15 सितंबर खत्म हो जाएगा, तब हमारा टेम्परेचर अंडर 30s चला जाना चाहिए, या तो 15 सितंबर तक होगा या 30 सितंबर इन्हीं के आसपास हमारा अंडर 30s टेम्परेचर चला जाएगा। बारिश करीब करीब खत्म हो जाएगी, तब हमारे लिए सेफ रहेगा बाकी बल्ब लगाने का। बाकी बल्ब में क्या कि फर्स्ट स्टेज में हम लगा सकते हैं फ्रीजिया, स्फेरिक्स, इक्सिया, उसके बाद नार्सिसिस या डैफोडिल नहीं, नार्सिसिस जो इंडियन नरगिस आती है उसके बल्ब्स लगा सकते हैं। उसके साथ हम लगा सकते हैं चिंची रिंची या ऑरिनेथोगुलम या बेथलेम स्टार बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। अगर आपको एशियाटिक लिली मिल रही है उस समय तक, 30 सितंबर के आसपास तक, तो एशियाटिक लिली आप 30 सितंबर के पास लगा सकते हैं। इसके बाद ये 4-5 चीजें हुई, बल्ब हुए जो अभी आप 30-15 से, मतलब हमें टेम्परेचर देखना है कि 25 से 30 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, एक दिन का टेम्परेचर नहीं देखना है हमें, 10 दिन का एवरेज टेम्परेचर देखना है कि पिछले 10 दिनों में टेम्परेचर एवरेज में कितना रहा। 1-2 डिग्री ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। तो हमें देखना है कि 10 दिन का टेम्परेचर अगर 25 के आसपास है, मतलब 24 से 26 के बीच में है, तो आप आराम से उसको सेकेंड स्टेज ग्लैडोलाई, फर्स्ट स्टेज जो अभी लगेंगे, सेकेंड स्टेज में आपके ये ऑर्गेनाथोगुलम, फ्रीजिया, एक्सिया और आपके चिंची रिंची, ये सारे बल्ब सेकेंड स्टेज में लगेंगे। इसी के साथ ग्लैडोलाई का एक हॉलैंड वैरायटी आती है जो बाहर से आती है, जिनके बल्ब छोटे होते हैं, करीब 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच के बल्ब इससे ऊपर नहीं होते, वो भी वैरायटी के बल्ब उसी समय 30 सितंबर के आसपास लगेंगे। वो बल्ब छोटे होते हैं तो 8 इंच में 3 बल्ब, 10 इंच में 5 बल्ब और 12 इंच में करीब 6 से 7 बल्ब लग सकते हैं उसके अंदर। इसके बाद जब सीजन आएगा, जब हमारा टेम्परेचर 20 मिनिमम टेम्परेचर की, जब भी हम बात कर रहे हैं ये मिनिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम टेम्परेचर वो होना चाहिए। तो हमारा टेम्परेचर जब 20 से नीचे, मतलब 20 से 25 के करीब करीब रहेगा या 20 के नीचे रहेगा, तो ये करीब आएगा आपका 15 अक्टूबर के बाद ये महीना आएगा, तब हमें लगाना होगा ओरिएंटल लिली।
एशियाटिक लिली हमें पहले लगानी है, ओरिएंटल लिली जिसके बड़े बल्ब होते हैं, बड़ा फ्लावर होता है, सेंटेड होती है, तो ओरिएंटल लिली के बल्ब हम लगा सकते हैं उस समय। उसी के साथ रेनन्कुलस, रेनन्कुलस को हम लगा सकते हैं। रेनन्कुलस इस तरह से आपको मिलता है, तो ये रेनन्कुलस को हमें भिगो करके इसकी प्लांटिंग कर देनी चाहिए। सैपलिंग बना करके भी कर सकते हैं छोटे पॉट में लगा के, और चाहे तो डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं। रेनन्कुलस को भिगोना पड़ेगा, सभी लोग जानते हैं कि ओवरनाइट या 4 से 6 घंटे आप उसको भिगो के रखिए, फिर उसको लगाइए। इसके बाद आते हैं जो बल्ब और ज्यादा सर्दी मांगते हैं। तो हाँ, एक भूल गया मैं कि हाइसिंथ भी इसी समय लगेगा, जब आपका टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, तो हाइसिंथ के भी बहुत बहुत कलर आते हैं, उनको हम लगा सकते हैं। इसके बाद आता है टाइम आपका, जो टेम्परेचर आपका 15 डिग्री के करीब आ जाता है, ये समय है मिनिमम टेम्परेचर। जब 15 डिग्री या उससे नीचे जा रहा हो, तब आप, हम लोग बहुत बार कोशिश करें ट्यूलिप्स लगाने की, ट्यूलिप्स खिल नहीं रहे, ट्यूलिप्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये 15 डिग्री का टेम्परेचर जब आएगा एवरेज 10 दिन के अंदर, तब हम ट्यूलिप्स के बल्ब प्लांट करेंगे। ट्यूलिप्स में आपको ये देखना होगा कि बहुत छोटे बल्ब मत लीजिए, और बल्ब का जो कवरिंग है इंटैक्ट होना चाहिए, छिला हुआ नहीं होना चाहिए। क्रैक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम से कवर उतरा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा इंटैक्ट रहना चाहिए। और बड़े बल्ब अगर ट्यूलिप्स के मिल जाए, तो वो उस समय लगाने में ज्यादा आसानी से वो फ्लावरिंग करेंगे। करीब करीब बल्ब बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, आप अगर देखेंगे तो ऑक्सैलिस के बल्ब हैं, हाइसिंथ है, क्रोकस के कई वैरायटी आती है, जिसमें एक केसर भी है क्रोकस का, उसके बाद मस्करी है, आयरिस है। तो ये जितने बल्ब के नाम मैंने लिए हैं, ये सारे बल्ब जो हैं आपके 20 डिग्री टेम्परेचर वाली रेंज में ये लगेंगे। सिर्फ एक ही अकेला बल्ब ऐसा होता है ट्यूलिप, जिसको ज्यादा सर्दी पसंद है, तो उसके लिए हमें 15 डिग्री टेम्परेचर का वेट करना होता है। अब सबसे बल्ब हमने ले लिए, बल्ब मतलब लेने हम जा रहे हैं, तो हम देखें क्या। जैसे हमने बताया आपको कि ग्लैडुलाई के बल्ब आपको लेने हैं मीडियम साइज के, और देखना बल्ब की पहचान ये होगी कि बल्ब सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, स्टिफ होने चाहिए, लेकिन पत्थर या लकड़ी की तरह कड़े नहीं होने चाहिए, हल्के से प्रेस होने चाहिए। बल्ब बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए। बल्ब के साथ एक और वो है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस वैरायटी का बल्ब है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी ऐसी होती है जिनके बल्ब ही बहुत छोटे होते हैं। जैसे ऑक्सैलिस का बल्ब बहुत ही छोटा होता है देखने में, उसी तरह इक्सिया का बल्ब, मैं आपको दिखाता हूँ, हार्डली 1 सेंटीमीटर है ये इक्सिया का बल्ब। इस फेरिक्स का बल्ब थोड़ा बड़ा मिल जाता है, तो ये साइज आती है। चिंची रिंची के बल्ब बड़े छोटे दोनों मिलते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। चिंची रिंची आपको अगर बड़े बल्ब मिल जाए तो बड़े बल्ब ले लीजिए, छोटे मिल जाए तो छोटे ले लीजिए, बहुत छोटे मत लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 1 इंच का बल्ब होना चाहिए चिंची रिंची का। बल्ब के बारे में पूरी लिस्ट में शेयर कर दूंगा क्या क्या मिल सकता है, डिपेंड करता है कि, क्योंकि ये सारे बल्ब बाहर से आते हैं, कुछ चीजें इंडिया में होती हैं जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह से आ जाती हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ बल्ब्स और उनके कलर्स, अगर कलर वाइज ले रहे हैं, बहुत सारे अगर इस साल पता नहीं अवेलेबल होते हैं कि नहीं, हॉलैंड से सारे आते हैं, नीदरलैंड से, तो अब इस साल क्या अवेलेबल होता है क्या नहीं होता वो समय पे ही मालूम चलेगा, सारे इम्पोर्टर्स उनको क्या कोरोना की वजह से क्या सहूलियत मिलती है। जी अब सबसे बल्ब की बात एक और हम ले रहे हैं कि आप देखिए कि बल्ब को अगर आप देख रहे हो डैमेज है, जैसे खासकर हमें शॉर्ट बल्ब में ज्यादा ध्यान रखना है कि वो खुले में, जैसे एशियाटिक लिली खुले में बहुत दिनों देर तक या दिनों तक रखा रहेगा तो फैल जाएगा, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा है कि
हम जैसे ही कोल्ड स्टोरेज से निकले उसी में ले, बहुत ज्यादा स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है एशियाटिक लिली, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर से आता है कि जैसे ही हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं ये तुरंत स्प्राउटिंग कर लेता है। तो बहुत बड़ा स्प्राउट ना हो, नहीं तो आपकी जो स्टिक होगी बहुत टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी। तो अच्छी बात, अच्छा होगा कि अगर हम कम स्प्राउट वाला बल्ब लें, ज्यादा स्प्राउटिंग ना हो एकदम, तो ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं पॉटिंग मिक्स पे कि ये बल्ब लगाने कैसे हैं। पॉटिंग अगर आप लगा रहे हो और लैंड में लगा रहे हो, दोनों चीजें हम बताएंगे। सबसे पहले देखना ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बल्ब के बारे में ये जानना चाहिए हमें कि बल्ब जब ये फ्यूचर में प्लांट होगा उसकी साइज क्या होती है। अगर वो बहुत बड़ा प्लांट है तो उसका पॉटिंग मिक्स फर्क होगा, जैसे फ्रीजिया करीब करीब 2 फुट 3 फुट तक पहुंच जाता है तो उसके लिए पॉटिंग मिक्स अलग चाहिए, या ग्लैडुलाई इसको भी 3 फुट 4 फुट तक कभी कभी पहुंच जाते हैं। इंडियन ग्लैडुलाई 4 4 फुट के हो जाते हैं, 5 5 फुट के भी हो जाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए अलग पॉटिंग मिक्स चाहिए। लेकिन चिंची रिंची हार्डली 1 फुट होता है, मस्करी 1 1.5 फुट में हो जाता है, बाकी जो आपके ज्यादातर हाइसिंथ वगैरह भी ज्यादा ऊंचे पेड़ नहीं होते तो इनके लिए थोड़ा अलग पॉटिंग मिक्स चाहिए। अभी बहुत अच्छा होगा कि अभी से हम प्लानिंग करके पॉटिंग मिक्स अभी बना के रख लें, स्टोर कर लें, और जैसे जैसे बल्ब अवेलेबल हो वैसे वैसे हम उनको पॉट करते जाएं। पॉटिंग नंबर 1 जिसके अंदर प्लांट्स की हाइट लंबी हो रही है उसके अंदर आपके आते हैं ग्लैडुलाई, फ्रीजिया, एशियाटिक लिली, ओरिएंटल लिली, करीब करीब ये 4 या 5 वैरायटी है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। तो इसके पॉटिंग मिक्स को आप लोग नोट कर लीजिए, हम प्रपोर्शन में बता रहे हैं कि मान लीजिए प्रपोर्शन आपका आप 1/3 ईच, ये पॉटिंग मिक्स फॉर टॉल बल्ब्स, टॉल प्लांट्स है, तो आप 1/3 ईच ऑफ गार्डन सॉयल, कंपोस्ट और साथ में डाल सकते हैं कोकोपीट। गार्डन सॉयल, कंपोस्ट और कोकोपीट, ये आपको 1/3 ईच डालना है जिनके अंदर आपकी जो प्लांट की साइज बहुत बड़ी है। अगर आप कोकोपीट नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसका दूसरा ऑप्शन है कि हाफ ईच में गार्डन सॉयल प्लस कंपोस्ट। तो दो ऑप्शन है, कोकोपीट इस्तेमाल करना है तो 1/3 1/3 1/3, और अगर नहीं इस्तेमाल करना है तो हाफ हाफ कर सकते हैं। जब हम कंपोस्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों आती है, और अगर आपके पास ओखला अवेलेबल हो तो ओखला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि ओखला को आप कंपोस्ट मतलब गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट में आधा आधा मिलाकर भी यूज करें। बहुत थोड़ी गर्म होती है इसलिए हमें ज्यादा ओखला यूज करने का हम एडवाइस नहीं करते। अब आई बात कि आप जो भी खाद इस्तेमाल करें उसको ध्यान में रखें कि वो पूरी तरह सड़ गई हो, एकदम ब्लैक हो गई हो, उसके अंदर कच्चापन नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्रेश उससे गोबर से नहीं बनी हो। अब आपका ये बेसिक पॉटिंग मिक्स है, इसके अंदर हम 2-3 चीज ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने ये प्रपोर्शन बना लिया, मान लीजिए आपका ये 1/3 1/3 या हाफ हाफ करके आपका 1 किलो तैयार हुआ है। इस 1 किलो में मतलब फॉर एवरी 1 kg ऑफ दिस मिक्स हमें 50 ग्राम नीम की खली और 50 ग्राम हड्डी की खाद या बोन मील डालनी है। तो मान लीजिए आपका 1 किलो है तो उसके अंदर 50 ग्राम, 10 किलो है तो 500 ग्राम आधा किलो, तो उसी हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, उसी हिसाब से डाल दीजिए। ये जितने भी आइटम है इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पॉटिंग मिक्स तैयार करके बल्ब लगाएं, ना कि जो भी हम बल्ब खरीदें और सीधे घर जाके जो भी गमला अवेलेबल में गड्ढा करके गाड़ दें। तो
क्योंकि बहुत मेजर कंप्लेन होती है, हम सभी लोग खरीदते हैं और फिर उसमें प्रॉब्लम हमें इशू फेस होता है कि स्प्राउट नहीं हो रहा, स्प्राउट नहीं हो रहा। तो स्प्राउटिंग के लिए हम आपको एक दो ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पॉटिंग मिक्स उसका एक बेसिक एसेंशियल है। अगर यही चीजें आप जमीन में लगा रहे हैं, अगर आपके पास गार्डन है, गार्डन में अगर आप बल्ब्स प्लांट करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि हर मीटर स्क्वायर, अगर आपका जो बेड है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर का है, तो उसके अंदर करीब करीब 1 बोरी आपको खाद लगेगी, साथ में 1 किलो बोन मील और 1 किलो नीम खली। इसको अच्छी तरह से 6 से 8 पूरे बेड में मिलाएं, और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखें कि वहां पर पानी जमा नहीं होना चाहिए। अभी बारिश हो रही तो आप देख लीजिए कि गार्डन का कौन सा पार्ट पानी जमा हो रहा है, या तो उसको रेज करके हाइट दें उसकी, नहीं तो उस जगह नहीं लगाइए, कहीं और लगाइए। अब कुछ चीजें जो हमने आपको पहले बताई कि पहले वाले ऑप्शन में आपका था कि गार्डन सॉयल या कंपोस्ट, या गार्डन सॉयल कंपोस्ट और कोकोपीट, इन तीनों को मिला के इसके अंदर आपको 50 हर किलो में 50 ग्राम नीम खली 50 ग्राम बोन मील डालना है। साथ में हमें इसमें एक दो चीजें और डालनी है। पहली चीज आती है जिसके अंदर आपकी फंगीसाइड, बल्ब को हमें बचाना है सड़ने से और भी प्रॉब्लम से, तो एक फंगीसाइड जो कि आपका वेबस्टीन हो सकता है या साफ हो सकता है या और कोई मिल जाए, सिस्टमिक फंगीसाइड हम यूज करके उसके अंदर हर किलो में 5 ग्राम के करीब सिस्टमिक फंगीसाइड उसके अंदर डालेंगे। अगर आपको लिंडेन डस्ट, मेलाथियन डस्ट, मतलब इनका पाउडर अगर मिल जाता है तो वो भी आप 5 ग्राम उसके अंदर डालें, तो इससे कुछ कीड़े जैसे चींटियां, दीमक, ये सारी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि इन बल्ब्स में दीमक भी अटैक करते हैं, क्योंकि ये खाने में अच्छे होते हैं इसलिए अलग अलग तरह की चीजें इनको खाना पसंद करती हैं। उसके बाद एक माइक्रो न्यूट्रिएंट हम डालने को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारी सॉयल अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा रिच नहीं है, तो हम हर किलो में 2 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट का पाउडर भी मिलाते हैं को बोल रहे हैं। उससे होगा कि आपका कंप्लीट मिक्स तैयार हो जाएगा। इसको आप एक साथ जितना भी आपको मान लीजिए 100 बल्ब बोने हैं या आपको 100 पॉट्स लगाने हैं, तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके परवा करके इसको मिक्स करा के बोरों में भर के कहीं रख दीजिए, और जैसे जैसे बल्ब आपके सीजन आने लगे आप खरीदते जाएं वैसे वैसे इनको लगाते जाएं, तो बार बार ये धूलना और वो करना नहीं पड़ेगा। अब आई बात की मस्टर्ड केक, बहुत गर्म होता है, सबसे अच्छी तरीका है मस्टर्ड केक डालने का, मैं डायरेक्ट मस्टर्ड केक किसी भी चीज में डालने की एडवाइस नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका है कि हम मस्टर्ड केक को सीधे इस्तेमाल ना करते हुए हम एक लिक्विड मैन्योर बनाए, जिसके अंदर लिक्विड मैन्योर के अंदर 20 किलो कंपोस्ट, 20 लीटर पानी, 5 किलो कंपोस्ट गोबर की खाद, और वो भी बहुत ओवरडन नहीं हुई, थोड़ी सी सेमी फिनिश गोबर की खाद, साथ में 1 किलो मस्टर्ड मतलब सरसों की खली, 1 किलो नीम की खली, ये डाल करके इसके अंदर 20 लीटर पानी मिला के एक बड़े से टब में या कोई ऐसा सील्ड कंटेनर हो उसके अंदर भर के पानी मिला के चला करके उसको बंद करके रख दीजिए। अगर अभी बना लेंगे तो आपका अगस्त का एंड है, सितंबर अक्टूबर से आप देना शुरू कर सकते हैं, 6 से 8 हफ्ते लगते हैं उसको बनाने में। माइक्रो न्यूट्रिएंट कई तरह के मिलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपके पास आजकल ट्राजो है और भी कई कंपनी के आते हैं, पाउडर की हम बात कर रहे हैं, ये लिक्विड की बात नहीं कर रही है, कॉम्बी 2 के नाम से आते हैं सबके, कॉम्बिनेशन 2 जो हम गार्डनिंग में हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं, तो किसी का भी वर्धमान का कॉम्बी 2, आपका अर्जुन का वो कॉम्बी 2 या आपका ट्रेसल का कॉम्बी 2, इसमें से कोई भी मिल जाए आप उसको यूज कर लीजिए। फंगीसाइड पॉट्स में भी जरूरी है, बेड्स में भी जरूरी है। फंगीसाइड एक रेगुलर फीचर है, अगर आप ये सब कोई चीज खाने वाली नहीं है और कोई भी ऑर्गेनिक दवा उतनी तेज नहीं होती जो फंगस से बचा सके,
तो अगर नॉन एडिबल चीज है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बल्ब्स आपके बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, हो सकता है इस साल और भी महंगे रहे, तो अच्छा है कि हम उसको पहले से ही कर लें, बना लें। अब आपका ये पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया है, अब आपको भरना कैसे है गमलों में, तो आप गमले का साइज भी आप लीजिए, क्योंकि इन बल्ब्स को हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए। एक बार ट्रांसप्लांट करने का मतलब है कि वो फिर से दोबारा होगा, हो सकता है चले भी ना, हो सकता फ्लावरिंग ही ना करे, तो बल्ब्स को ट्रांसप्लांट कम से कम करना है, एक ही बार लगाना। तो हमें देखना है कि प्लांट की साइज क्या, जैसे मान लीजिए आप लगा रहे हैं चिंची रिंची, तो एक बल्ब एक 4 इंच के पॉट में भी चल जाएगा, या 12 इंच के या 10 इंच के पॉट में आप 3 या 5 बल्ब भी लगा सकते हैं चिंची रिंची के। लेकिन आप कहिए कि 4 इंच के पॉट में ग्लैडुलाई या एशियाटिक लिली लगाएं, तो क्योंकि उसके लिए वो प्लांट इतना बड़ा होता है, टॉपल ओवर करेगा, पर उसको इतना इतना वो नहीं मिलेगा, सॉयल नहीं मिलेगा कि वो उतना अच्छी ग्रोथ ले सके। तो इसके लिए अच्छा होगा कि अगर हम ओरिएंटल लिली या एशियाटिक लिली लगा रहे हैं तो हम बड़े 8 इंच से 12 इंच के पॉट के करीब लें। ओरिएंटल लिली का फूल भी बड़ा होता है और उसके बर्ड्स और वो सब हैवी होते हैं, स्टेकिंग की जरूरत भी है और साथ में बड़े पॉट की भी जरूरत है। इसके बाद हमारा आया टॉपिक कि हमने ये पॉटिंग मिक्स बना लिया, अब हम उसको पॉट कैसे करें। सबसे पहले गमला को देखिए, एकदम अच्छा क्लीन गमला होना चाहिए, रीयूज्ड अगर आप कर रहे हैं तो उसको वॉश करवा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके नीचे एम्पल होल्स होने चाहिए, अगर प्लास्टिक का गमला है तो उसके अंदर 4 से 6 होल कर दीजिए, अगर मिट्टी का है तो देखिए, अगर वो सिंगल होल है तो उसको बड़ा कर दीजिए ड्रिल से, या एक्स्ट्रा 2-3 होल ड्रिल से करवा लीजिए, तो उससे वाटर का आउटलेट ठीक रहेगा, क्योंकि पानी जमा होने पे बल्ब सड़ जाते हैं। उसके बाद नीचे अच्छा एक लेयर डालिए ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स, या जो भी आपकी रोड़ी आती है, जो भी बड़े पीसेस हैं उसको डाल करके करीब 1-1.5 इंच अच्छी तरह से पूरी लेयर लग जानी चाहिए वहां पे। उसके ऊपर एक ट्रिक है, कई लोगों ने बोला है, इसमें भी काम करती है, कि अगर एक लेयर आप ओखला या कंपोस्ट की डाल दें, प्योर कंपोस्ट या प्योर ओखला या गोबर की खाद की एक लेयर, और उसके ऊपर पॉटिंग मिक्स भर के लगाएं, तो बल्ब जब बड़े प्लांट होते हैं तो वो नीचे से जब उनके रूट्स वहां तक पहुंचते हैं तो एक्स्ट्रा नरिशमेंट लेते हैं, तो एक ट्रिक है वो अच्छी काम करती है, पिछले साल मैंने करा था, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हुई थी उससे। तो एक तो ये करना है, उसके बाद बल्ब को लगाना कैसे। हर बल्ब की साइज अलग अलग है, कोई जैसे ट्यूलिप का बल्ब इतना बड़ा है, ग्लैडुलाई का इतना बड़ा है, आपका ये इक्सिया, शायद इक्सिया का नहीं, ये वो है हॉलैंड वाली ग्लैडुलाई, वो उसका इतना बड़ा है, स्फेरिक्स और ये सब छोटे छोटे बल्ब हैं। तो हमें सबसे अच्छा आइडिया ये है कि बल्ब की जितनी हाइट है उतना ही नीचे जाए, टिप को एक्सपोज करना है कि टिप ऊपर ही रहे, बाकी सब हम लगा दें। गमले को ऊपर तक नहीं भरें, उसमें 1.5-2-3 इंच खाली छोड़ के रखें गमले का टॉप, उसके बाद इसको लगा दें, स्प्राउट होने दें। जैसे ही ये 1.5-2-3 इंच का 4 इंच का प्लांट हो जाए, स्प्राउट कर जाए, उसके बाद इसके अंदर एक्स्ट्रा सॉइल ऊपर से डाल करके इनको सपोर्ट दें, वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बारिश हो सकती है, पानी हम मालिक गलत डाल सकता है, या पानी जो है भर सकता है, जमा हो सकता है, तो उससे सबसे जो रॉट सेट इन होता है वो ऊपर टिप से ही रॉट होता है। दूसरा तरीका ये है कि एक और सेफ करने के लिए, कि हम बल्ब के नीचे का जो पॉइंट है, जो रूट्स वाला है, उसको हम फंगीसाइड में या तो सोल्यूशन बना के, नहीं तो अगर पाउडर बना, पाउडर थोड़ा सा डिप करके उसके बाद उसको लगा दें। एक और तरीका लोग करते हैं कि थोड़ा सा सैंड रख देते हैं नीचे बल्ब, उसको रखते हैं, वो भी एक तरीका अच्छा है, आपको अगर अच्छी कोर्स सैंड मिल रही है तो उसको यूज कर लीजिए। और जब आपका बल्ब स्प्राउट हो जाए, उसके बाद मतलब आपको नेक तक, उसके बल्ब के नेक तक, अगर ये ग्लैडुलाई लगा रहे हैं तो ये स्प्राउटिंग आ रही है, यहाँ तक आप रखिए इसको मिट्टी में, उसके बाद स्प्राउट होने दीजिए, जब इतना बड़ा हो जाए फिर एक्स्ट्रा सॉइल डाल करके उसको सपोर्ट दे दीजिए, तो उससे आपका बल्ब सेफ भी रहेगा। आपको एक हमें बड़ी
प्रॉब्लम रहती है कि स्प्राउट नहीं हो रहा, स्प्राउट नहीं हो रहा, तो वो दिखता भी रहेगा कि स्प्राउट क्यों नहीं हो रहा। छोटे बल्ब आपको ज्यादा लगा सकते हैं, ऑक्सिलिस जैसा बल्ब जो कि शायद ही आपका सनफ्लावर सीड के बराबर होता है छोटे, तो उसको जो है आप 5-6 लगा सकते हैं। बड़ा बल्ब कम लगाइए अपना, थोड़ा जैसे प्लांट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए तो आपको मालूम चल जाएगा कौन सा प्लांट कितना बड़ा होना है, कितनी जगह लेगा, उसी हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करके लगा देंगे। अब आई बात कि हम इसको टेक केयर कैसे करना है, आगे कैसे हमें करना है। हमारा टेम्परेचर के हिसाब से हम लगा रहे हैं, अभी ग्लैडलाई लगा रहे हैं 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच या उसके बाद तक, हम 15 अक्टूबर तक हम ये बाकी सारे बल्ब लगा रहे हैं। फ्रिजिया है, कई कलर्स में फ्रिजिया आता है, स्फेरिक्स है, एक्सिया है, आयरिस है, ये सारी चीजें लगा रहे हैं। उसके बाद हमारे अगले सेट ऑफ बल्ब आएंगे, तो उसी हिसाब से हम प्लान करना है। एक साथ प्लांट करने में दिक्कत ये भी है कि आपको फिर बहुत सारा टेक केयर करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको इतना टेक केयर नहीं करना पड़ेगा। एक कॉशन की बात ये भी है कि बहुत सारे बल्ब जो हैं आपके, आप बहुत देर तक वेट करते रहते हो, आप समझ नहीं आता बल्ब कहाँ गया। 99% या तो उसको गिलहरी या चूहा खोद के निकाल के ले गया है। तो अगर आपके घर के आसपास गिलहरी चूहे ये सब हैं, तो पॉट्स के ऊपर चिकन मैश या वायर मैश जो आता है मॉस्किटो मैश, उसकी जाली उसके ऊपर रख करके पत्थर से दबा कर लगानी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है इनको बचाने का। चूहे और गिलहरी ये बल्ब खोद के निकाल के ले जाते हैं या आपको डैमेज कर देंगे, खासकर अगर आप केसर या क्रोकस के बल्ब लगा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बल्ब आपको मिलते ही नहीं है क्योंकि ये गिलहरियां और चूहे उसको खा जाते हैं। अब आप बताइए कि इसके टेक केयर कैसे करनी है। आपने बल्ब प्लांट कर दिए, आपके बल्ब आप वेट कर रहे हो स्प्राउट करने का। सबसे एक ट्रिक है कि जिसके अंदर हम इसको प्लांटिंग, अगर टेम्परेचर आपने फॉलो रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने आप ही वो करेंगे, लेकिन फिर भी एक ट्रिक ये है कि हम उसको बल्ब पॉट करने के बाद, पानी देने के बाद, पहला पानी देने के बाद उसके उसको हम न्यूज़पेपर या किसी चीज से ढांक दें तो उसमें थोड़ी स्प्राउटिंग जल्दी हो सकती है। पानी भी हमें जब देना है तो उसके अंदर पहले ही वाटरिंग में हम फंगीसाइड मिला के देंगे तो हमारा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहेगा उसमें कि बल्ब जो है सड़ेंगे नहीं जिस समय हम पहली बार लगा करके पानी दे रहे हैं। तो आपके बल्ब नॉर्मली 7 दिन से 15 दिन के बीच में स्प्राउट होते हैं ये सारे, कुछ जल्दी होंगे, कुछ देर में होंगे, कुछ में हो सकता 3 हफ्ते भी लग जाएं। तो इतना हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हमने सारी प्रिकॉशन, अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाया, सारी प्रिकॉशन लिए, सब कुछ लिया है, तो हमें दिक्कत नहीं होगी कि हमारा बल्ब स्प्राउट ना करे। आपको ट्रिक भी बता दी कि हम उसको ढक के रखेंगे, न्यूज़पेपर से या किसी न्यूज़पेपर ही बेस्ट रहता है, न्यूज़पेपर को ऐसे करके पॉट के ऊपर लगा दीजिए, किसी लकड़ी से या किसी चीज से दबा दीजिए और उससे थोड़ा सा वो मिल जाएगा। एक केयर रखनी है कि बल्ब को बार बार खोद के नहीं देखना है कि वो स्प्राउट हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, जितनी बार आप खोदेंगे उतना उसके लिए मुश्किल होगा फिर से ग्रो करना। इसीलिए हम बल्ब की टिप तक ही उसको प्लांट करने की कह रहे हैं, क्योंकि आपको दिख जाएगा ऊपर से ही कि हाँ स्प्राउटिंग हो रही है नहीं हो रही है, ऊपर से ही आपको ग्रोथ नजर आएगी, स्प्राउट नजर आएंगे। इन स्प्राउट्स को का भी ध्यान देना है कि ये स्प्राउट्स बहुत डेलिकेट होते हैं और ये एक बार टूटे तो फिर दोबारा उसमें से कोई स्टिक निकलनी नहीं है, तो वो स्प्राउट्स का भी ध्यान देना है कि वो वहीं पर फिक्स रहे, उसको कोई टच ना करे, उसको छू के नहीं देखना है, उसको जब से अपने आप ग्रो होने दीजिए। आपका ये स्प्राउटिंग अगर हो गई है 3 से 4 इंच की करीब ये साइज आ गया है उसमें स्प्राउटिंग का, तब हम स्टार्ट करेंगे फीडिंग इन बल्ब्स की। फीडिंग में एक तो लिक्विड मैन्योर है जो बहुत वर्क करती है, बहुत अच्छी रहती है। जो लिक्विड मैन्योर मैंने बताई, 20 लीटर पानी, 5 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम खली और 1 किलो सरसों की खली, इसको मिक्स बना करके 6 से 8 हफ्ते सड़ाने के बाद 1 लीटर इस मिक्स का 10 लीटर पानी में मिलाना है और उसको एवरी 10 डेज आपको देना है। लेकिन ये तभी देना है जब बल्ब आपके स्प्राउट हो चुके हैं, 4 इंच के
चार इंच तीन इंच की हाइट आ गई है, स्टैब्लिश हो चुके हैं। अगर आप पहले देंगे या बल्ब के ग्रोथ स्प्राउटिंग के समय देंगे तो बहुत सड़ने के भी चांसेस है। अगर आप ये नहीं बना रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन एनपीके का है। दो ग्राम कोई भी बैलेंस्ड एनपीके लीजिए, 20-20-20, 19-19-19। इसी में आप 2 ग्राम फंगीसाइड मिलाइए, 1 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाइए। 2 ग्राम फंगीसाइड, 2 ग्राम एनपीके, 1 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसको 1 लीटर, मतलब इन दो दो एक को 5 ग्राम हुआ, इसको 1 लीटर पानी में घोलिए और फिर इसको जो है आप इससे वाटरिंग दीजिए। इसको देना है हर 15 दिन पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको एक बार देना है, एक बार नहीं देना, मतलब इस हफ्ते इस फर्स्ट को दिया तो 15 को नहीं दिया, अगले फर्स्ट को दिया। बाकी एनपीके और फंगिसाइड लगातार देने हैं आपको, तो इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ ठीक रहेगी। कुछ चीजें और मेंटेनेंस की है, पहली कि बल्ब के जब प्लांट आपका 4-5 इंच का हो रहा है तो आपको सॉयल टॉपअप करनी है। जब 1 फुट के करीब हो रहा है तो फिर एक सॉयल टॉपअप करनी है, जो आपको पॉटिंग मिक्स दिया उसी की सॉयल, वैसी ही सॉयल से आपको टॉपअप देना है। तो उससे गमले में के आपके 2 बार के टॉपअप में वो ऊपर तक भर जाएगा गमला, प्लांट को सपोर्ट मिलेगा, प्लांट स्ट्रांग रहेगा। साथ ही में हम बोन मील की भी डोज दे सकते हैं, जब वो प्लांट आधे फुट से ऊपर हो रहा है तो हर महीने में 2 बार हम उसको बोन मील और नीम खली का एक 2-2 चम्मच की मिक्स बना कर से, मतलब 1 किलो नीम खली 1 किलो बोन मील मिला करके उसके अंदर 1-1 टेबल स्पून प्लांट के हिसाब से पर प्लांट हम उसको डाल सकते हैं। उससे आपको एक्स्ट्रा फॉस्फोरस और इससे आपको नीम खली से आपको इंसेक्टिसाइड की तरह काम करेगा, उससे भी हेल्प करेगा। तो ये हमारे ज्यादातर जो प्लांट हैं, ये बल्ब्स हैं, ये 100 दिन से लेके 150 दिन के बीच में, मतलब कि 3 महीने से लेकर के 5 महीने तक इसके बीच में खिल जाते हैं। जैसे आपको जल्दी फ्लारिंग में आपके ग्लैडुलाई है, आप अगर अभी लगा रहे हैं तो आपका दिसंबर तक फ्लारिंग आ जाएगी। अगर आप सितंबर में वो लगा रहे हैं एशियाटिक लिली, तो 3 महीने के अंदर उसकी फ्लारिंग हो जाएगी, 100 से 110 दिन के बीच में। आपकी हॉलैंड वाली ग्लैडुलाई है वो 100 120 दिन के अंदर खिल जाएगी। और अगर आप इसमें जो लेट फ्लारिंग वाले हैं वो हैं आपके चिंची रिंची, फ्रीजिया, ये सारे बल्ब जो हैं लेट फ्लारिंग के हैं। लेट इसलिए क्योंकि ये अभी इनका ग्रोथ टाइम है, ये करीब करीब नवंबर दिसंबर तक ग्रो करते हैं, फिर हमारे यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है तो ये थोड़े से डॉर्मेंट या थोड़ा उतना अच्छा नहीं चलते, और जैसे ही एक्सट्रीम विंटर कंडीशन ब्रेक होती है तब इनकी फ्लारिंग शुरू हो जाती है। तो इनकी फ्लारिंग शुरू हो जाएगी करीब, आपकी एक्सपेक्ट करिए कि फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक ये फ्लार करते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, फ्रीजिया, चिंची रिंची और नेथो क्या कहते हैं मस्करी, आपके इक्सिया, आयरिस, ये सारे बल्ब थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन ये खिलेंगे। अगर आप देख रहे हो कि फरवरी तक इसमें बर्ड्स नहीं आई हैं, फ्लारिंग नहीं हो रही है, तो हमें 2 चीज करनी है। पहला, पानी हमें कम देना शुरू करना है। अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन पानी दे रहे हो तो हर हफ्ते में 2 दिन कर दो बस। दूसरा, एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये बंद कर देना है, तब नहीं देना। इनफैक्ट किसी भी प्लांट में जब आपकी बडिंग स्टेज शुरू हो रही है, जब आपको लग रहा है कि अब ये पेड़ जो है, जैसे आप देखोगे गाइडलाइन में बीच का तना है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर से लगने लगता है कि अब इसके अंदर से बड बन रही है, तो या बड का वाला स्टॉक आ रहा है, तो उस समय आपको ये एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये बंद कर देनी है। उस समय से नहीं देनी है, लेट देम बिल्ड इट, वो आपने वो करना है। आप चाहें तो फॉस्फोरस और नीम खली वाला मिक्स कंटिन्यू कर सकते हैं उसके बाद भी, क्योंकि वो फ्लावर में बूस्ट करने में भी मदद करता है। अब आए कि इसको अगर इंसेक्ट्स लग रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो मैंने देखे एफिड्स हैं, स्पाइडर माइट्स हैं, और आपके कुछ में मोजैक भी लगता है, कुछ के अंदर मीली बग्स भी लगते हैं, तो इनकी दवा सबकी अलग अलग है। अच्छा है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड जैसे कॉन्फिडोर हुआ,
या इनीडा क्लोरोप्रिड है, ये इसको यूज कर सकते हैं। करीब 2 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है और इसको हर 10 दिन से 12 दिन के अंदर आप स्प्रे करिए, 1-2-3 बार करिए तो ये सारी चीजें चली जाएंगी। मिली बग लगा है तो उसके अंदर सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपके डॉक्टर्स स्प्रिट या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आ रही है जो डॉक्टर्स बेच रहे हैं, उसको एक ब्रश में डिप करके और उससे आप जो है उसको ब्रश आउट कर दीजिए, वहां से निकाल दीजिए और पानी से उसके बाद स्प्रे करके धो दीजिए, सबसे अच्छा तरीका भी ये है। बाकी कोई इंसेक्टिसाइड कोई भी वो आजकल मदद नहीं कर रही है। कुछ वो ये वायरस बैक्टीरियाज आए हैं आजकल जो मिली बग्स कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं देखा है। छोटे पाउचेज हैं जिसके अंदर इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो इस पे मिली बग्स को डेवलप होने या प्रोपोगेट करने में को स्टॉप कर देते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। अब ये बल्ब की फ्लावरिंग करीब हमारी दिसंबर स्टार्ट से लेकर के ऑलमोस्ट टिल अप्रैल तक होगी। अलग अलग फ्लावर अलग अलग समय, अलग अलग बल्ब अलग अलग समय उसमें फ्लावरिंग करेंगे। एशियाटिक लिली की एक ट्रिक मैंने जो कई बार बता चुका हूँ, ये इस बार भी है कि एशियाटिक लिली को आप खोद के निकालिए मत। तो एशियाटिक लिली जो है आपकी एक बार खिलने के बाद दोबारा फिर से वो अप्रैल मार्च अप्रैल मई के अंदर एक बार फिर से खिलेगी। इनफैक्ट मैं लेके आया हूँ, मेरी एशियाटिक लिली जमीन में ही अभी लगी है, इस तरह से अभी आई है। तो ये फिर एक्सपेक्ट होगा कि ये अपने आप ही खिल जाएगी उस समय तक। मेरे ख्याल से हमने ज्यादातर सवाल कवर कर लिए हैं इसमें, और कोई सवाल हो तो हम पूछ सकते हैं इस समय या टाइप करके यहाँ चैट में डाल दीजिए, चैट में भी हम देख रहे हैं। अनुराग जी, आपका ज्यादातर प्रश्न जो पूछे गए हैं चैट में वो आपने आंसर कर दिए हैं, आपका इतना डिटेल रहा है। लाइक कि लोगों ने सोयल के बारे में पूछा है, मस्टर्ड केक ऐड हो सकता है कि नहीं, फंगीसाइड रिक्वायर्ड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो आपने ज्यादातर प्रश्न तो आंसर कर दिए। जी सुरभि जी का कोई प्रश्न है? सुरभि जी का हाथ है तो सुरभि जी का एक बार देख लेते हैं, अगर उनका कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक इट। ये एमरेलिस बल्ब की बात कर रहे हैं। एमरेलिस बल्ब अभी जो है अभी आप मत निकालिए एमरेलिस बल्ब। एमरेलिस बल्ब नवंबर दिसंबर में निकालिएगा, अभी उनके ग्रोथ का टाइम है, इस समय उनको ग्रो करने दीजिए। जितना ज्यादा आप उसको ग्रो कराएंगे उतना अच्छी फ्लावरिंग नेक्स्ट सीजन में होगी। अब फ्लावरिंग अगर हो गई है तो हम उसको कितनी देर तक पॉट में रखना है, ये टॉपिक कई बार बता चुका हूं कि कोई भी ये बल्ब अगर हमें उसकी सेविंग ट्राई करनी है, ट्राई इसलिए बोल रहा हूँ विंटर बल्ब्स को सेव करना मुश्किल होता है, अगर आपकी फ्लावरिंग हो गई है तो आप उसको उसकी फीडिंग फिर से दोबारा शुरू करिए और उसको पानी देते रहिए रेगुलर सब चीज। और अब जो है करीब करीब आपका जैसे ही मार्च एंड अप्रैल आएगा तो पत्ते उसके पीले पड़ने शुरू होंगे। जैसे ही पत्ते उसके पीले पड़ने शुरू हुए पानी आप स्टॉप कर दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर सारे पत्ते सूख जाएंगे। उसके बाद आप इन बल्ब्स को डिग आउट करके निकालिए और फिर उनको फंगीसाइड से ट्रीट करके, अच्छी तरह से साफ करके फंगीसाइड से ट्रीट करके बल्ब्स के 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ के उसको कट चॉप ऑफ कर दीजिए उसका, और फिर उनको जो है किसी ठंडी कूल जगह पेपर में लपेट के किसी डब्बे में डाल के रख दीजिए। एशियाटिक लिली अगर आपकी जमीन में अभी लगी है, पहले की लगी हुई है और उसके बाद चला रहे हैं, तो अच्छा है कि अभी एशियाटिक लिली को अभी रुक जाइए, पानी खत्म होना नहीं चाहिए, जैसे है वैसे ही पड़ा रहने दीजिए। रेनफॉल जब खत्म हो जाता है तो इनको निकालिए, अच्छा जो पहले पॉटिंग मिक्स बनाया वो फ्रेश पॉटिंग मिक्स बनाइए और उनको फिर से दोबारा पॉट कर दीजिए।
अगर फ्लावर जो ब्लूम हो रहा है तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपने इतना उसकी फीडिंग पहले से करा रखी है तो उसको फोर्स ब्लूम कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो उसके अंदर हड्डी की खाद या बोन मील एक रेगुलर सप्लाई रखें, हर महीने में आप एक टेबल स्पून हर प्लांट के हिसाब से डाल दीजिए, तो उससे अच्छा ये रहेगा कि आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इजी बल्ब कौन सा ग्रो करने का है, तो सभी इजी हैं और सभी डिफिकल्ट हैं। कहने का मतलब यह है कि मैं बोल दूं एशियाटिक लिली बहुत इजी है तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आप उसको ठीक से केयर नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, वो खराब हो सकता है। सारे बल्ब मतलब एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, तरीके आ गए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना आ गया, थोड़ा सा आप टिप्स ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज एक और ट्राई कर सकते हैं कि सब कुछ एक साथ एक दिन में ही प्लांट मत कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको स्कैटर करके करिए, तो आपके फ्लावरिंग जो है स्टेजेस में होगी। आप जो है जैसे फ्रीजिया आपने मान लीजिए एक दर्जन बल्ब खरीदा, एक एक या तो आप एक एक गमला तीन तीन एक एक हफ्ते के उस पर लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, लास्ट ईयर प्लांट बाजार में हमने करा था, लेकिन इस बार प्लांट बाजार तो नहीं हो सकता, कोविड के कारण अलाउड भी नहीं है गवर्नमेंट से। तो इससे अच्छा ये है कि आपका एमरेलिस बल्ब आप अगर बाहर से लाए या कहीं और से लाए हैं, आप उसको पॉट कर दीजिए, फ्लावरिंग अभी नहीं होगी, फ्लावरिंग उसकी आपकी मार्च फरवरी से मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग होती है। अगर आपने खरीदे एमरेलिस के बल्ब तो आप उनको सो कर दीजिए, रखिए मत, इतने वो बहुत दिन तक रखने वाले बल्ब में नहीं है, सूख जाएंगे, तो अभी उसको लगा करके। रेन लिली अगर आपने लगा रखी, आप फीडिंग जैसे हमने एनपीके माइक्रो न्यूट्रिएंट और फंगिसाइड की बोली अगर आप वो दे रहे हैं, तो रेन लिली आपकी ऑलमोस्ट टिल अर्ली अक्टूबर खिलेगी। समर बल्ब्स में आता है रेन लिली और उसको प्रोपोगेट भी होगी और वो भी होगी, आप उसको टेक केयर कीजिए। बहुत ज्यादा अगर वो हो गई है, एक गमले में बहुत ज्यादा भर गई है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई, तो उसको निकाल करके कई गमलों में उसको डिवाइड कर दीजिए। रेन लिली समर बल्ब ज्यादातर हम छोड़ देते हैं, जहां पे हैं वहीं हैं, और सालों साल वो फ्लावरिंग करते हैं, उनको हम बार बार निकाल के रख करके सेविंग की कोशिश नहीं करते हैं। समर बल्ब उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, वो जहां पे हैं वहीं पर काम करते हैं। मैम मेरी बात हुई है एग्जीक्यूटिव कमेटी से, किसी से बात हुई थी मेरी, तो मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि मेरा ऑफिस है, मतलब मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा ऑफिस दिल्ली का है, और मैं दो तीन चीजें मैं लिस्ट भेज दूंगा जो जो से बल्ब हमें मिल रहे हैं, और उनसे हम मेंबर्स के लिए हम अच्छी प्राइस भी डिमांड करेंगे, लेकिन बस मेरी एक ही शर्त है कि हम घर पे डिलीवर नहीं कर सकते, दूसरा हम अपने घर पे बुला के नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी बहुत ऑड टाइमिंग्स रहती है, मैं कभी बिल्कुल जल्दी चला जाता हूँ, कभी देर से आता हूँ, कभी आउट ऑफ स्टेशन भी जाता हूँ, तीसरा पेमेंट सारे ऑनलाइन होंगे, मेरे पास और कोई तरीका या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये सारे काम मेरे लिए कर सके। तो ये सारे तीन कंडीशन है मेरी, अगर सब लोग अग्री करेंगे तो आई विल ट्राई टू अरेंज, आई लेट यू लेट पीपल नो कि हम कौन कौन से बल्ब हैं, उसके रेट्स क्या हैं, उसका कितना पोस्टेज आएगा और हम कब से उसको दे सकते हैं। फुटबॉल लिली में अगर आपकी लीव्स निकल रही है तो ये एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह उसको यूज करिए, ग्रो करिए, और उसको जो है आप चलने दीजिए। नवंबर दिसंबर में आकर के उसमें भी जैसे पत्ते पीले पड़ेंगे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड में, वो सूखेगी, तब आप उसका
जब सूख के निकल गिर जाए तब आप उसको टॉप चॉप ऑफ करके प्लांट को बाहर निकालिए और उसके रूट्स चॉप ऑफ करिए, फंगीसाइड से ट्रीट करिए, एक डेढ़ महीने के लिए उसको किसी सिक्योर जगह में रख दीजिए। नहीं अगर ग्रीन लीफ वो हो रही है तो आप उसमें पड़ा रहने दीजिए, जहां वो है वो अपने आप ही लीफ फॉल होगा और नया फ्लावरिंग स्टॉक जो है वो करीब आपका मार्च अप्रैल में शुरू होगा फ्लावरिंग के लिए। और मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप में जो भी है या वहां पे है, मेरा नंबर वहीं पर है, जिसे भी चाहिए एक मैसेज मुझे छोड़ दे कि आई एम इंटरेस्टेड इन विंटर बल्ब्स, तो मैं उस पे जो हूँ मुझे आज कल तक का समय दीजिए, मैं पता कर लेता हूँ क्या क्या चीजें आ गई हैं, कहाँ से मिल रही हैं और कब से हम देना शुरू कर देंगे, तो मैं उसी तरह से लिस्ट बना करके भेज दूंगा उनको पर्सनली। वहीं पर सारी चीजें हम ग्रुप में ये डिस्कशंस नहीं करेंगे खरीद फरोख्त का। आई होप आई हैव आंसर्ड एवरीवन एंड एग्जैक्टली इन वन आवर वी हैव फिनिश्ड। मनीष जी, इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चंस। धन्यवाद अनुराग जी, मेरे ख्याल से सारे प्रश्न के उत्तर तो सारे आपका डिटेल्ड इतना अच्छा रहा है कि सारे प्रश्न तो स्वतः ही आंसर हो गए थे। बस एक ही सबका एक कंसिस्टेंट है कि उनको बल्ब कैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा रिलायबल और सबसे अच्छे सोर्स आप ही हैं, तो उसके लिए हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा। और प्रॉब्ली ये हो सकता है कि आपके टाइम तो हमें भी सबको पता है कि ऑड रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो हम लोग कोई एक वॉलंटियर कर सकता है जो आपके बिहाफ पे कोऑर्डिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। मैम, अरे मनीष जी, सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि मैं बाय पोस्ट भेजूं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन में किसी को भी हम बोलेंगे तो बहुत लोग अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग टाइम पे अवेलेबल रहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि इन नोएडा द कॉस्ट विल बी हार्डली 40-50 रुपीज फॉर पोस्टेज, स्पीड पोस्ट की एक किलो भी बल्ब नहीं हो पाएंगे अगर हम सारे सब एक साथ मिलेंगे भी नहीं, अलग अलग समय पे आएंगे, तो अभी जो अवेलेबल होंगे उनकी एक लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो मैसेज कर दे मुझे व्हाट्सएप पे, देन आई कैन टेक इट फॉरवर्ड। और अगर कोई ये करना चाहता है, कोई कोऑर्डिनेशन करना चाहता है, भाई मोस्ट वेलकम। आपको अगर इतना ट्रबल इतना टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, तब फिर हमें और कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फिर उसी को परेशान करेंगे, भाई क्या आया बताओ। हाँ, जैसा आप ठीक सके, मतलब प्रश्न बस यही है कि सबको मिलना चाहिए और बस यही है कि सबको बल्ब मिल जाए, जो भी जरिया हो, जो भी वर्कआउट करे। नहीं, दो ही जरिया सर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरे ख्याल से ग्रुप में तो सबके पास होगा। स्पीड पोस्ट सबसे अच्छा रहेगा, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और मतलब मुझे भी दौड़ भाग कम रहेगी, मतलब 2-3 दिन में इकट्ठा करके एक साथ भेज दिया, अभी टाइम भी है, अभी कोई इतनी वो नहीं हुई है। अच्छा होता कि अगर हमारा ऑनलाइन प्लांट बाजार भी हम कर पाते। मनीष जी, हाँ, अब देखिए सर कैसे है, थोड़ा थोड़ा तो ओपन हो रहा है, देखते हैं हम लोग। ऑनलाइन की बात कर रहे थे, ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन पे ही वर्कआउट करते हैं जी, ऑनलाइन ऑनलाइन पे ही कुछ वर्कआउट करते हैं, और अगर हो सकता है तो अच्छा ही है, ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है दुनिया का पहला ऑनलाइन प्लांट बाजार कर सकते हैं। हाँ, इजी है सर, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अपना सब लोग ऑनलाइन डिस्प्ले करेंगे, जिसको जिसको जो खरीदना है लोग खरीद करके अपना ऑर्डर लिस्ट बना लेंगे और डायरेक्टली बाय कोरियर उनको भेज दिया जाएगा जी। और कई ऐप्स भी हैं जहां आप कर सकते हैं, मतलब आप जैसे एक दुकान ऐप है जो फ्री है, जो आप मेरे ख्याल से 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं, अपने सारे प्लांट लिस्ट कर दीजिए, लोग आपके दुकान पे आते हैं, लेट देम चूज विद द रेट्स, गिव यू द ऑर्डर डायरेक्टली वहां से, एंड देन यू कैन कीप सेंडिंग देम।
एफएसएन वुड जस्ट एफएसएन बस ये होगा कि एफएसएन में लिस्ट सारे पोस्ट हो जाएंगे साइट पे, तो जिसको जो चाहिए होगा वो अब साइट पे साइट जा करके। हाँ अपडेट हो जाती तो साइट में भी कर सकते हैं, हाँ तो अपडेट साइट साइट पे में भी, भी। हाँ साइट पे भी कर सकते हैं, तो चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है सर आजकल के जमाने में, जी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हो जाएगी। हो जाएगा हो जाएगा। ओके एवरीवन, एक थैंक ग्रुप यू। नहीं अनुराग, जस्ट एक ग्रुप फोटो ले ले वीडियो के साथ, हाँ चलो, सो पीपल कैन स्विच ऑन देयर वीडियो, वीडियो ऑन कर सकते हैं फिर। थैंक यू। अरे ये तो बहुत सारे लोग हैं। अरे हम लोग 76 मेंबर ज्वाइन वाह, किए हैं, 50 पे हम लोगों ने शुरू किया था, एंड देन वी हैड वी वेंट टू 76। ग्रेट टू सी ऑल ऑफ यू टुगेदर। मतलब बीन सो, पता नहीं 6 महीने हो गए। वैसे भी अनुराग सर का विंटर बल्ब्स का सेशन कोई मिस नहीं करना चाहेगा, थैंक यू, तो बहुत बहुत थैंक यू, अनुराग जी बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सो आपका, मच। और आपका सर्टिफिकेट दीपा मैम ने फॉरवर्ड कर दिया है, तो अरे वाह, आपको ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा था पर हो नहीं पाया, तो मैं जी एफएसएन ग्रुप में और आपके पास इंडिविजुअली भी भेज दे रहा हूँ, और वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एवरीवन। एनी क्वेश्चंस प्लीज मैसेज, व्हाट्सएप कर दीजिएगा कोई। थैंक यू अनुराग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, नाइस है।